हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक इन अदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि जरा किस वीडियो के अंदर जैसे कि भी आप यहां पर ये स्क्रीन पर मेरी फोटो देख पा रहे हैं भाई, कितनी ज्यादा भाई एकदम नेक्स्ट लेवल फोटो एडिटिंग हो गई है। मतलब ये जो बैकग्राउंड है ये ग्रीन है रियल में इस फोटो का, और फेस भी भाई ऐसा मतलब ये खास नहीं है, और हेयर तो भाई देख ही रहे हो अभी आप, यानी कि फुल फोटो यहाँ पर एडिटिंग होने वाली है। बट द थिंग इज इस बार स्नैपसीड नहीं, इस बार मैं लाइट रूम ऐप का यूज करके आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, और लिटरली भाई बहुत ही ज्यादा ईजी एडिटिंग ये होने वाली है। तो बस भाई दिल को थाम लेना, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। तो चलिए मैं आपको सिखा दूंगा कि स्टेप स्टेप कमाल की एडिटिंग को कर सकते हो। चलो गाइस यार, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना लाइट रूम ऐप ओपन कर देना होगा इस कमाल की एडिटिंग को करने के लिए। तो जस्ट अभी मैंने इस लाइट रूम ऐप को यहाँ पर ओपन किया हूँ, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको लोडिंग देखने को मिल जाती है। तो इसके बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ऑल फोटोज में क्लिक कर देना, और यहाँ से आपको वो वाला फोटो सिलेक्ट कर देना होगा जिसको भी यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप कुछ यानी कि यहाँ पर पता नहीं कि किस टाइप से फोटो लाते हैं, तो यहाँ पर आप गैलरी की छोटी सी आइकन देखने को मिल जाती है, यहाँ पर कैमरा और गैलरी की, तो दोनों से आप मतलब कि गैलरी और कैमरा से भी यहाँ पर आप फोटो या कैप्चर कर सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर ये वाला फोटो अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ जो इस मामले पर एडिट करने वाला हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर देख ही पा रहा हूँ, यानी कि अभी देखो रियल ये है रे, अभी आप देख सकते हो ये फेस देखो, हेयर देखो, इतने में मतलब कि शाइनी से नहीं है, बट द थिंग इसके बैकग्राउंड देखो यार क्या बना दिया था उसमें। तो अभी हम कुछ नहीं करना, इस टाइप का बैकग्राउंड बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इस टाइप से थोड़ा बहुत आपको नीचे जाना होगा, तो देंगे जिस कलर वाले आइकन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा, तो यानी कि जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो है टेम्परेचर ने, तो टेम्परेचर को थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिक्रीज कर देना होगा, अराउंड 6% है। उसके बाद है हमारी टेंट, तो टेंट को भी यहाँ पर आपको अराउंड 6% तक डिक्रीज कर देना होगा, ठीक है यार इतना कम कर देने के बाद। उसके बाद वाइब्रेस है, वाइब्रेस को अराउंड यहाँ पर आपको 10% तक यानी कि 12% तक यहाँ पर आपको उसको इंक्रीज कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद है सेचुरेशन, तो सेचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है इंक्रीज कर देना होगा अराउंड 9 या 8% तक, ठीक है। तो इतना कम कर देने के बाद अभी आपको ऊपर से ये कलर वाला देख पा रहे हो सर्कल वाला, इसमें आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो नहीं यहाँ पर आपको पूरे के पूरे यहाँ पर 8 कलर देखने को मिल जाते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सियान और ब्लू, पर्पल एंड द थिंग इज के पिंक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा रेड कलर सिलेक्ट हो पड़ा है, तो इसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना होगा। इसकी जो आप हेयर देख पा रहे हो उसको यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से बेक ले जाना होगा अराउंड, तो यहाँ पर आपको कर देना होगा माइनस तक रख देना होगा, मतलब थिंग इसका -20%, ठीक है। उसके बाद आता है इसकी हेयर की सोचिए मतलब कि रेड कलर की सेचुरेशन, तो सेचुरेशन को आपको इस टाइप से बढ़ा देना होगा। बेसिकली ये लिप्स का कलर है, तो इसकी लिप्स की सेचुरेशन यानी कि बढ़ेगी तो भाई अच्छी तरीके से नजर आ पाएंगे। तो उसके बाद है हमारी ल्यूमिनेंस, तो ल्यूमिनेंस को इस टाइप से डिक्रीज कर देना होगा ताकि रियलिस्टिक लगे कि भाई हाँ कुछ लगा हुआ है लिप्स पर, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर देना होगा। और मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि ऑरेंज कलर जो होता है LR ऐप में यानी कि लाइट रूम ऐप में स्किन का कलर माना जाता है, ठीक है, यानी कि ये स्किन इसकी जो है वो उसका कलर है समझो। तो इसकी जो है उसको यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज कर देना होगा अराउंड 10% तक, 10 कुछ ज़्यादा ही हो गया, 8% तक, ठीक है। फिर इसकी सेचुरेशन को यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज कर देना होगा अराउंड -10%, और इसकी जो ल्यूमिनेस है ल्यूमिनेस को इस हिसाब से आपको यहाँ पर बढ़ा देना होगा। जब जितनी ल्यूमिनेस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा रिचार्ज आपका फोटो हो पाएगा, इतनी भी नहीं बढ़ाने के भाई लगे ही ना रिचार्ज भी हुआ पड़ा है कुछ फोटो जे, तो इतनी भी नहीं बढ़ानी यार। तो इस हिसाब से आपको कर देना होगा अराउंड 18% रख देना होगा। तो उसके बाद आता है हमारा ये कलर येलो कलर, तो येलो कलर को सिलेक्ट कर देना होगा। इसकी जो है फुल्ली यहाँ पर आपको बैक ले जाने की यानी कि -100 कर देने की। इसकी जो सेचुरेशन है सेचुरेशन को यहाँ पर आपको अराउंड रख देना होगा यानी कि -23% तक देना होगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये हो गया हमारा 23%, ठीक है। इधर इतना करने पर इसकी ल्यूमिनेस को यहाँ पर आपको अराउंड -22% तक रख देना होगा। उसके बाद है हमारा ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर की हेयर जो है इसको भी यहाँ पर फुल्ली आपको -100 तक रख देना होगा। रख देने पर इसकी जो सेचुरेशन है वो भी यहाँ पर आपको रख देने की -81%, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 80 यानी कि 80 रखो पोको फिर भी कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे मत करना कि यार ये क्या हो गया ऐसे हो गया। और इसकी जो मैंने आपको थोड़ी सी जो है मैंने बताई सही थी बट गलत कर दी, मतलब कि ये जो है येलो कलर है ना, येलो ग्रीन नहीं, येलो की आपको यहाँ पर प्लस यानी कि 22% इंक्रीज कर देने की, समझ रहे हो, मैंने आपको आई थिंक माइनस बोल दिया, तो इसके लिए रियली सॉरी गाइस यार। तो येलो की जो है यहाँ पर आपको वही रख देने की -81%, तो यहाँ पर 81% मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये 91 और ये हमारा हो गया 81%, ठीक है। थोड़ा बहुत जहाँ वहाँ हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी जो ल्यूमिनेंस है यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीज कर देंगे, तो बाकी जो कलर्स हैं वो हमारे इमेज में हुए ही नहीं, यानी कि इमेज में हमारे है ही नहीं, तो हम क्या करें यार। थोड़ा सा है सैन कलर है, तो सैन कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा।
इसकी इल्यूमिनेशन को मतलब हीरे को थोड़ा बहुत देख ले जाना होगा, सेचुरेशन को यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट फुल कर देना होगा, तो मैं यानी कि फुल ही कर देना होगा यार। इसकी इल्यूमिनेशन को थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है इंक्रीज कर देना होगा, जिसके भी आप देख सकते हो अराउंड -35% है। फिर आपको यहाँ पर डन में क्लिक कर देना होगा, तो डन में क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको इसे कलर वाले आइकन में क्लिक बैक आ जाना होगा। ऑल राइट गाइस, यार अभी आप देख सकते हो आपके फोटो का कितना ज़्यादा प्यारा सा बैकग्राउंड हो गया है, यानी कि जैसे कि आपको मतलब कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बट द थिंग इज़ के ये वो फोटो एडिटिंग नहीं है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो अभी चलेगी यार, आगे हो रही है थोड़ी बहुत एडिटिंग। तो अभी आपको इस इफेक्ट्स वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, ये वाले में जो स्क्वायर सा बना हुआ है कलर के नीचे, तो इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ आइकन्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि वो इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। टेक्सचर क्लियरिटी डीएस विंटेज, तो इसकी जो टेक्सचर है यहाँ पर आप अराउंड 20% तक इंक्रीज कर देंगे, ये हो गई 20%, ठीक है। इसकी जो क्लियरिटी है, क्लियरिटी को यहाँ पर आपको -12% तक रख देना होगा, ठीक है गाइस यार। तो इसको थोड़ा सा हम टेक्सचर को यहाँ पर आपको -10% तक देखना होगा, -9, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसकी क्लियरिटी को 5% तक रख देना होगा, और डीएस को कुछ भी नहीं करना। विंटेज को यहाँ पर आपको -40% तक रख देना होगा, ये रहा हमारा -40%, ये देखो भाई 39-40 भाई दोनों की बात है। उसके बाद आता है हमारा मिड मो पॉइंट को कुछ भी नहीं करना, फिदर को जो है आपको यहाँ पर 80% तक देना होगा, यानी कि 50 तो पहले से ही होता है, 81% अच्छा है। उसके बाद आता है हमारा ये डिटेल्स, और डिटेल्स को आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, डिटेल्स इसके सही हुए पड़े। उसके बाद आता है ना ऑप्टिकल्स, ठीक है। ऑप्टिकल्स वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, रिमूव चार्ट के एब्रेशन को यहाँ पर आपको इनेबल कर देना होगा, एंड इनेबल लेंस कोरेक्शन, तो आपको इसको भी यहाँ पर इनेबल कर देना होगा। देन गाइस, इससे क्या होता है कि आपका फोटो में जितनी भी यहाँ पर छोटी छोटी से धूल या कुछ भी होता है एकदम स्मोक सा, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा आपके फोटो में से, ताकि अच्छा फोटो लग पाए, और एकदम से वो जो है ना ब्लर वाला सीन जो आता है, यानी कि ये मान लो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका स्क्रीन पर ब्लर सा आ गया है, तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा आपकी स्क्रीन से, यानी कि फुल एडिटिंग अभी आप देख सकते हो यहाँ पर। पहले देखा हूँ, पहले आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको पहले की देखने को मिल जाएगी। ये है हमारी पहले एडिटिंग ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, और ये देखो यार खतरनाक ब्राउन कलर के साथ। तो आई होप आपको यह वाली एडिटिंग जरूर अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जाकर लाइक जरूर से कर देना। अगर आप चैनल पर न्यू हो, इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको देखने हैं, तो प्लीज़ यार कमेंट में जाकर जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।